हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज मैं संडे का एंजॉय करने के लिए पहुंच चुका हूं बाथू किलाड़ी। मैंने सोचा था कि ये टेंपल अभी पानी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। टेंपल अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और लोग बोटिंग करके वहां पे जा रहे हैं। काफ़ी सारी भीड़ है, संडे है इसलिए। और यहाँ पर जो पास के गाँव वाले लोग हैं उन्होंने लंगर भी लगाया हुआ है, तो अभी यहाँ पर इंटरटेन करेंगे। बाथू किलाड़ी के टेंपल पोंग डैम लेक के अंदर हैं और आप पोंग डैम के पास फतेहपुर और ज्वाली शहर से आसानी से यहां पर जा सकते हैं अपनी गाड़ी या बाइक से। तो ये मंदिर साल भर में सिर्फ एक दो महीने ही पानी के बाहर आते हैं जब पानी का लेवल कम होता है, उसके अलावा ये पानी में ही डूबे रहते हैं। तो अभी हम जहाँ पर पहुँचे और हमें पता चला ये पानी में है, तो हमें इस नाव से है जो मंदिर देखने जाना होगा। बाकी लोग भी जा रहे हैं, हम भी जाने वाले हैं। तो इस समय यहाँ पे 100 रुपये जो रेंट चल रहा है एक बंदे का मंदिर तक जाने के लिए, लगभग आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे। नाव में बैठने से पहले आपको स्विमिंग जैकेट पहनाई जाएगी, लेकिन मुझे जो साथी यहाँ पे मिले वो बिना जैकेट के जाने के लिए रेडी हो चुके थे। तो हम निकल चुके हैं जी एक राइड पे। अभी हमें टेम्पल तक पहुँचने के लिए लगभग समय लगेगा 20 से 25-30 मिनट, और इतना ही समय वो आने में लगेगा और 10-15 मिनट हम वहाँ पे आसपास घूमेंगे। रास्ते में आपको बाकी लोग भी ऐसे एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे, हेलो हाय करते। और फाइनली हम इन टेम्पल के पास पहुँच चुके हैं और देखिए कितना शानदार व्यू है इन मंदिर का। हर समय सुबह के समय अलग होता है, दोपहर के समय अलग, शाम के समय में बहुत ही अच्छा अच्छा व्यूज़ है, वो अलग अलग होते हैं। मंदिर इस समय भी लगभग 8 फिट के आसपास पानी में जो डूबे हुए हैं, तो जब ये पानी के बाहर आते हैं तो इनका व्यू कुछ अलग होता है और पानी के बीच में अलग। मुझे ये व्यू अच्छा लगता है, पानी के बीच में बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है बाथू किलाड़ी के इन टेम्पल का। ये बहुत ही पुराने मंदिर हैं, पांडवों के समय के बने हुए, तो काफ़ी पुराने हैं लेकिन अभी भी सही सलामत खड़े हैं इस पानी के बीच। तो जब ये पानी से बाहर आएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। तो उस समय गाड़ी वगैरह यहाँ पे आसानी से पहुँच जाती है जब ये पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये पानी से बाहर नहीं आए क्योंकि पोंग बांध का जो पानी था वो कम नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आए और शायद जून के महीने तक ही ये आएंगे। तो इस राइड के अंदर आपको मंदिर के आसपास घुमाया जाएगा। आप चाहें तो इनसे बात करके कुछ एक्स्ट्रा पे करके इससे ज़्यादा भी घूम सकते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है इन टेम्पल को देखने का। जब पानी से बाहर आएंगे तो आप गाड़ी से सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन पानी में घूमना है तो नाव वालों से आपको बात करनी होगी, वो आपको घुमाएंगे। और आप देख रहे हैं कितना शानदार व्यू है जी बाथू किलाड़ी के टेंपल का। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं बाथू किलाड़ी के टेंपल के आसपास। ये पूरी पोंग लेक ही ये घूमने वाली है। तो फाइनली अभी हम जो राइड लेके वापस आ चुके हैं, और इसके पास जो अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, मतलब प्लेसेस क्या, यहीं पर आपको कई सारी अच्छी अच्छी लोकेशंस मिलेगी, यहाँ पर आप इंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। और ये देखिए बिल्कुल समुद्र का नज़ारा यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जी मज़ा। तो शाम हो चुकी है, तो शाम के समय में आप देख रहे हैं कितना शानदार यहाँ पे व्यू है, लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं कितनी बढ़ चुकी है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है बाथू किलाड़ी के इन टेम्पल पे। तो मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं वो लाता रहूँगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएँ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओ चल इन्हें आ पाए।